बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये क्लास 9 कराची बोर्ड के फिज़िक्स के हमारे पास जो चैप्टर 2 है काइनेमैटिक्स का, उसके हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, बुक के हैं। चलिए जी पहले पढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ हैव डैश एंड सूटेबल यूनिट। अच्छा जी, यहाँ पर स्केलर और वेक्टर्स की बात हो रही है। आपको पता है स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या होता है? ऑप्शन ए में मैग्नीट्यूड, ऑप्शन बी में डायरेक्शन, ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी। तो आपको पता है स्केलर्स में हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डैश अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो अभी हमने बात की कि स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती तो वेक्टर में डायरेक्शन होती है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डायरेक्शन अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच वन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा जी, इसमें से बतानी है वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, मास, वेट या टाइम। मास क्या है? आपके पास एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। वेट आपके पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और टाइम भी क्या है? स्केलर है। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन बी वेट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच वन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा जी, ऊपर वेक्टर पूछा है, अब यहाँ पे पूछा है स्केलर कौन सी क्वांटिटी कौन सी। तो अभी हमने पढ़ा टाइम क्या है, स्केलर है। तो ऑप्शन ए में टाइम बिल्कुल स्केलर है, तो ये हमारा आंसर है। ऑप्शन बी में देख लेते, फोर्स क्या है, वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिस्टेंस इज़ अ डैश क्वांटिटी। डिस्टेंस आपके पास क्या है, वेक्टर है या स्केलर है? तो डिस्टेंस आपके पास स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास क्या है, वेक्टर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा जी, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है आपके पास? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर में नहीं लिखा, अगर मैं इसी सेकंड को मैं ऊपर ले जाऊँ तो क्या होगा? मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ये आपके पास आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अभी हमने बात की एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकेंड। इसमें भी यही है, अपॉन में नहीं लिखा हुआ तो इसको एस को ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या होगा? मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, और हम वन लिख देंगे। ऑप्शन बी योर आंसर। लास्ट पढ़ते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। अच्छा जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास दो पॉइंट का, वो आपके पास क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ऑप्शन सी।